हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। गदर 2 की मची हुई है धूम, फैंस दे रहे हैं गदर 2 को बहुत ही अच्छे अच्छे रिएक्शन। ऐसे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि सनी देओल भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है, तो वही उनकी सौतेली बहन ईशा देओल से हो गई है दोस्ती। बहन से बहुत ज़्यादा ही करीब आ गए हैं सनी देओल। इतना ही नहीं, अब सनी की सौतेली माँ हेमा मालिनी भी अपने बेटे की एक्टिंग को देखकर हो गई है काफ़ी ज़्यादा कायल। यकीन नहीं हो रहा, तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेमा मालिनी ने अब देख ली है ये फिल्म और वो लगातार सनी देओल की कर रही हैं तारीफ़ें। जी हाँ, सनी की फिल्म और सनी को अप्रिशिएट करती नज़र आ रही है हेमा मालिनी। पहली बार हेमा मालिनी ने सनी की फिल्म को देखकर दिया है बहुत ही कमाल का रिएक्शन और कहा है कि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा ये फिल्म में जान है, फिल्म बहुत ही कमाल की है। और साथ ही साथ हेमा मालिनी ने अमीषा और सनी के बॉन्ड की भी जमकर तारीफें की है। सिल्वर स्क्रीन पर सकीना और तारा का रोमांस देखकर हेमा का दिल भर आया है और हेमा ने कहा है कि पुराने दिन मुझे याद आ गए, 70 और 80 का दशक एक बार फिर से मेरे जहन में आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश भी हो गई हूँ। ये तमाम बातें हेमा मालिनी ने गदर 2 को देखने के बाद बोली है और कहीं ना कहीं फैंस को भी दे दिया है बहुत बड़ा झटका। बता दें आपको, सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 11 अगस्त को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने 7 दिनों में 305 करोड़ का बिजनेस करके सबको हैरानी में डाल दिया है और कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बहरहाल गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।